परिचय का मोहताज नहीं है। के खंडेलवाल जी हैं, आप चेयरमैन हैं हरेरा के। जोरदार तालियां, देखिए तालियां नहीं रुकनी चाहिए, स्वागत हम करेंगे अपने मेहमानों का। रेणु भाटिया जी हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन हैं, आप भी पहले भी महिलाओं के मुद्दे उठाती रही और एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके पास है। संजय ककरालिया जी हैं, फाउंडर हैं आप फिल्म भी रियल स्टेट की, साथ ही रियल स्टेट कंसल्टेंट भी आप हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सर शुरुआत आपसे खंडेलवाल जी, हरेरा की अब तक की जो जिम्मेदारी है आपकी बतौर चेयरमैन, कैसे आप देखते हैं, खुद संतुष्ट हैं अपने कामकाज से? हरेरा का जो कानून है, नया कानून है, और जब भी कोई नया कानून लागू होता है तो शुरुआत में उसमें टीथिंग ट्रबल्स होती है। कानून को सेटल होने में कुछ समय लगता है, और चूंकि इस कानून की व्याख्या में 30 वर्ष लगे जब सुप्रीम कोर्ट से फाइनली ये सेटल हुआ कि रेरा के अंतर्गत क्या आता है और रेरा के अंतर्गत जो अथॉरिटी है और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उनके बीच में क्या वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली चीज, रियल एस्टेट में जो लोगों का विश्वास कम हो गया था, जो लोगों ने अपना भरोसा रियल एस्टेट से खो दिया था 2012 से लेकर के और 2016 तक, वो एक काला अध्याय था रियल एस्टेट के। उसमें रेरा आया तो सबसे पहली चीज तो जो रुकी हुई ग्रोथ थी रियल एस्टेट की, उस ग्रोथ में एक्सीलरेशन आया। आज गुड़गांव जो है रियल एस्टेट ग्रोथ की जो हाई ट्रेजेक्टरी रेट है उस पर है। प्रॉपर्टी के रेट्स यहाँ बहुत बड़े हैं, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि लोगों की डिमांड है, और डिमांड जब ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो रेट्स बढ़ने लगते हैं। रेरा की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि रेरा है तो भरोसा है, रेरा ने भरोसा कायम किया है एक आम आदमी के मन में, रियल एस्टेट के प्रति जो उसकी शंकाएं थी उन शंकाओं को दूर किया है। और आज एक आम आदमी जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है, यही प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो सबसे पहला उसका सवाल होता है क्या ये प्रोजेक्ट रेरा द्वारा रजिस्टर्ड है। जो वायदा पहले बिल्डर करता था, जो झूठे सब्जबाग और सपने दिखला करके जो प्रॉपर्टी बेच देता था, और कुछ समय के बाद जो आम आदमी है जिसने अपने घर का एक सपना देखा था, अपनी मेहनत की कमाई, जीवन भर की कमाई को उसने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया था, जब उसके सपनों का महल चकनाचूर होता था तो महसूस करता था कि उसको चीट किया गया है। रेरा ने कम से कम उस चीटिंग पर एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आईपीसी में यदि चोरी की सजा है, थाने हैं, तो चोर नहीं रहे। रेरा का लगातार कंटिन्यूस रोल ये है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाए। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आज जो कड़ुआ में चल रहे हैं, 550 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जो रेरा की निगरानी में है। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि रेरा ने सबसे बड़ा इंडिकेटर उसका मार्केट है, तो रेरा ने जो भरोसा कायम किया है उसके कारण आज रियल एस्टेट ग्रोथ कर रही है। बोर्ड ऑफिसर के तौर पर पहचान रखते थे, बोर्ड ऑफिसर के तौर पर, तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर, अब रियल स्टेट की बात करें, रेरा की बात करें, क्या उसी तरीके से आप अंकुश लगा पाएंगे? क्योंकि आपने कहा कि पहले सपने दिखाए जाते थे, पहले जो जिस तरह से बिल्डर्स पोजीशन की बात करें, 2022 तक मान लीजिए कहा गया कि पोजीशन कर दिया जाएगा, खरीदने के लिए जाते हैं लोग, वहां ईंट लगी तक नहीं मिलती थी, क्या उस पर कंट्रोल हो गया कि वो जो कहा जाए कम से कम उसे कंप्लीट किया जाए? देखो, हम लोगों का एक बड़ा सुंदर सा वो रहा है पॉलिसी कि तुम गलत करोगे तो छोड़ेंगे नहीं और सही करोगे तो छेड़ेंगे नहीं। हमारा पर्पज बिल्डर को तंग करना नहीं है, हमारा पर्पज आम आदमी उसकी सहूलियत का ख्याल रखना है। रेरा के उसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं। पहला स्टेक होल्डर है प्रमोटर, डेवलपर, बिल्डर। दूसरा स्टेक होल्डर है इंपॉर्टेंट, वो है रियल एस्टेट एजेंट। और तीसरा स्टेक होल्डर है उसमें एलओटी, जो कॉमन मैन, जो इन्वेस्टर है। रेरा न तो किसी के फेवर में है न किसी के खिलाफ है, न्यूट्रल, सही ढंग से काम चल रहा है। रेरा का ये है कि हमारा पर्पज है कि जो
इंटरेस्ट हैं तीनों के ही, मेनली एलओटी के, उन इंटरेस्ट को बैलेंस बनाए रखना और उसके जो राइट्स हैं उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मेरा चैलेंज है ओपन मंच पर कि हमने पिछले करीब 24,000 केसेज हमारे पास आए हैं, 21,000 मामलों का हमने निपटारा किया है। कोई एक मामला ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कोई एलओटी ये कहे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। बिल्डर्स भी ये नहीं कह सकते कि जो किया गया है, जो निर्णय हुए हैं, वो निर्णय कानून संगत या न्याय संगत नहीं थे। हजारों लोगों को उनका जो पैसा डूबा हुआ था वो पैसे का रिफंड मिला है, बहुत सारे लोगों को। यानी ये कानून रेरा कानून की जो सबसे बड़ी खूबी है कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो बिल्डर आपको कहता है जी कि ये प्रॉपर्टी मैं 3 साल में दे दूंगा। 2006 में लोगों ने प्रॉपर्टी बुक कराई, 9 में कराई, 12 में कराई, 15 भी निकल गया, 18 भी निकल गया और 22 आ गया, पैसा दिया हुआ है उसने। उस बेचारे को ये नहीं मालूम कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका पैसा डूबेगा या बचेगा। तो रेरा कानून की सबसे बड़ी खूबी है कि जो तारीख आपको दी है उसने, बिल्डर ने, कि इस तारीख को आपको आपकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। यदि वो नहीं दे पाता है तो इस कानून की खूबी यह है कि यदि आप प्रोजेक्ट में रहना चाहते हो तो जितना पैसा आपका जमा कराया हुआ है उस तारीख को, जो ड्यू डेट के दिन, आपको उसका ब्याज मिलेगा। यानी जो पैसा आपका दिया हुआ है, ब्याज जो देते हैं हम लोग 10% के आसपास है, जो मार्केट में भी नहीं मिलता आपको। इसका मतलब जो खरीदार है, खरीदार का पैसा सुरक्षित भी है और पैसे को यदि समय पर उसने उसकी प्रॉपर्टी नहीं दी है तो उस पर उसको ब्याज ही मिल रहा है। दूसरा जी, यदि वो उस प्रोजेक्ट में रहना नहीं चाहता तो उसको जिस दिन उसने पैसा दिया था उस दिन से उसे ब्याज भी मिलेगा, उसका पैसा भी रिफंड होगा और उसके बावजूद यदि उसको कोई नुकसान हुआ है तो उसको उसका कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा। तो हम लोगों ने लाखों उपभोक्ताओं को ये जो था, चाहे वो अश्योर्ड रिटर्न का मामला हो, चाहे रिफंड का मामला हो, चाहे ब्याज दिलाने का मामला हो, चाहे कॉम्पेंसेशन का मामला हो, वो दिलाया है। चूंकि समस्या बहुत बड़ी थी, गुड़गांव में करीब 2.5 लाख फ्लैट्स या प्लॉट्स ऐसे थे जिनका पजेशन देना रुका हुआ था। 2.5 लाख आदमियों में से हमारे पास तो 25,000 ही आए हैं। 25,000 मामलों का निपटारा भी एक सिविल कोर्ट में एक महीने में 40 केस निपटाए जाते हैं, पूरे महीने में फाइनल जो होते हैं। 120 यूनिट का सिस्टम है और आपने 21,000 निपटाए हैं। आप बताइए कि पर डे 40 का डिस्पोजल है, एक केस की 25 पेज का ऑर्डर लिखा जाता है, 1,000 पेज पर डे टाइप होते हैं उसके ऑर्डर के, और आदमी करने वाले हम दो ही थे। 1,000 पेज का टाइप होना, ऑर्डर का बनना, डिक्री का बनना, उसकी एग्जीक्यूशन होना, यानी हमारी ओर से हमने भरसक प्रयत्न किया है कि लोगों को शीघ्र से शीघ्र राहत मिले। लेकिन चूंकि नंबर इतना बड़ा है, लेट हुए हैं कई कारणों से, हाई कोर्ट का स्टे रहा, सबसे पहले तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उल्टा कर दिया, फिर हाई कोर्ट का स्टे हो गया, हाई कोर्ट का स्टे कटवाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया, सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया। 2022 के मई में जाकर के फैसला हुआ भी इन केसेस को कौन सुनेगा, और 22 मई के बाद हम लोगों ने महीने में ऑन एन एवरेज 1200 से 1500 केसेज निकाले। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और एक बार तालियां खंडेलवाल जी के लिए, क्योंकि पहले ही जवाब में इन्होंने विस्तार से बताया कि रेरा की जरूरत क्या थी, अब तक किस तरह से काम किया गया है। रेणु जी, आपके पास आते हुए अभी पूरे हरियाणा ने और हमारे दर्शकों ने एक वीडियो आपका देखा होगा, काफी तेज तर्रार ढंग से आप एक पुलिस अधिकारी को डांटती फटकारती नजर आई थी। क्या था ये मामला और क्या वाकई महिलाओं के अधिकारों, उनके हकों के संरक्षण के लिए ये तरीका होना चाहिए? देखिए, वैसे मेरा स्वभाव डांट वाला नहीं है, आप लोगों के साथ भी मेरे ख्याल से 15 वर्ष हो गए काम करते हुए, लेकिन जब कोई किसी ऐसी चीज की हद निकल जाती है जिसमें महिला बहुत अधिक प्रताड़ित हो तो मुझे लगता है ऐसा काम करना भी जरूरी हो जाता है। ये एक केस था केथल का, जिसमें एक लड़के ने अपनी पत्नी को डिवोर्स देना केवल इसलिए डिवोर्स देना चाहता था कि मुझे इसके साथ अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता। लुक एट द वर्ड ही वॉज यूजिंग, कि मज़ा नहीं आता, और 2-3 महीने विवाह को हुए थे। अब ये कोई डिवोर्स का कारण नहीं हो सकता,
हम लोगों ने उस चीज को पर्सनली भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का निहायत ही बदतमीज था। डीएसपी को, एसएचओ को, आईओ को, सबको, अपने सीनियर ऑफिसर्स और हमारे ऑफिस के सब स्टाफ के समेत उसने बहुत बदतमीज वर्ड्स को यूज करके, बहुत ही वल्गर लैंग्वेज एक महिला के लिए यूज करके ये सब किया। अल्टीमेटली हमने कहा कि इनका घर बस जाए, बिकॉज लड़की घर बसाना चाहती थी। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम दोनों का मेडिकल चेकअप कराते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है महिला में कि तुम्हें उसके साथ ठीक नहीं लगता। तो हमने, आयोग ने ऑर्डर्स पास किए कि दोनों का मेडिकल चेकअप तुरंत कराया जाए, पंचकुला के सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ को इमीडिएट ये बात पहुंचाकर और दोनों का मेडिकल कराने के लिए भेजा गया। आयो जो उस समय थी वीना, उसने क्या किया, जाते जाते लड़की को फटकारा भी और लड़की का मेडिकल कराया, लड़के का नहीं कराया। हमारे पास एक हफ्ते बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें लड़के का मेडिकल नहीं था। हमने दोबारा डीएसपी को कॉल करके इस चीज़ के बारे में पूछा तो आईओ को कहा गया कि तुरंत उसका मेडिकल कराकर हमारे पास रिपोर्ट भेजी जाए। तुरंत के नाम पर भी दोबारा वो लड़की को मेडिकल के लिए ले गई, लड़के को नहीं ले गई। फिर इस दौरान एक महीना निकल गया। आरोपी पक्ष को बचाने का प्रयास था ये कर रहे हैं आप, यहाँ से यही पता लगता है। और आप ये देखिए, पुलिस के ऊपर एक आरोप बहुत जल्दी लगता है कि पुलिस ने सेटिंग कर ली, पुलिस ने पैसा खा लिया। हम लोगों ने भी इसी दृष्टि से बात को देखा। और जब 1.5 महीने बाद हमने केथल में अपना सेशन लगाया, हम हर डिस्ट्रिक्ट में हेयरिंग सेशन लगाते हैं 10 दिन के बाद, तो जब हमने वहां पे सेशन लगाया और तब हमने बुलाया तो उस आईओ ने ना लड़के को उपस्थित किया और ना दोबारा, मतलब तीसरी बार कहने के अच्छा, आपकी आपकी डांट के बाद तो उम्मीद करते हैं कि जस्टिस मिल गया होगा, है ना? सस्पेंड करने के हमने ऑर्डर्स दे दिए थे और एसपी से हमने कह दिया था। और मतलब आयोग को तो अगर आप अच्छा मैडम, आप मानते हैं कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर सिस्टम को, खासतौर पर पुलिस को, सेंसिटिव होने की जरूरत है? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मुझे एज चेयरपर्सन 7 महीने हो गए और मुझे नहीं लगता कि एक या दो केसेस कोई ऐसे हुए हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम आई। अदरवाइज हमने किसी भी अधिकारी को ओवरलैप होने नहीं दिया और ना ही किसी अधिकारी को कोई ऐसा काम करने दिया जिसमें महिला को प्रताड़ना हो। संजय जी, रियल स्टेट कंसल्टेंट चूंकि आप हैं, अभी क्या स्थिति है, चूंकि कोरोना से हम गुजरे हैं, क्या स्थिति है रियल स्टेट की? और अभी चूंकि खंडेलवाल जी ने बताया कि किस तरह से रेरा काम कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या जरूरत थी उसके मुताबिक, चूंकि आप सुझाव देंगे तो खंडेलवाल जी भी यहां पर मौजूद हैं, उनको भी आप सजेशन दे सकते हैं। देखिए, 2016 से पहले रियल स्टेट मार्केट कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थी। 2016 के बाद रेरा आया और फिर हमारे यहाँ रेरा लागू हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ सिस्टम स्मूथ हुआ और खंडेलवाल साहब को तो मैं खास तौर पर शुक्रिया करूंगा कि इन्होंने जिस तरीके से पूरी रियल स्टेट मार्केट को संभाला और खास तौर पर जो बायर्स थे उनकी शिकायतें जिस तरीके से निपटाई, जिस तेजी से निपटाई, और मेरे को गर्व होता है ये कहते हुए कि भारत में गुड़गावा रियल स्टेट रेरा का नंबर 1 हम स्टेज पर हैं, जिसमें करीब करीब, अगर मैं गलत ना हूं तो करीब 75% आज निपटारे हो चुके हैं, और जो सेकंड नंबर पर कोई स्टेट होगा वो आज 35% पर है। तो कितने मार्जिन के साथ खंडेलवाल साहब बड़ी उपलब्धि आगे हैं तो आप समझ सकते हैं। तो खंडेलवाल साहब ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, रियल स्टेट में जब रेरा आया तो कुछ चीजें मैं मानता हूं कि कहीं कुछ गैप जरूर रहा है, और वो गैप किस टाइप से रहा है कि 2016 से पहले के जो प्रोजेक्ट्स थे वो अगर आप देखेंगे तो वहां जो भी सिस्टम एक्स वाई जेड गवर्नमेंट ये वो वट एवर जो भी सिस्टम था वो था। तो 2016 से पहले के जो प्रोजेक्ट थे वहां पाओगे, जो लॉन्च प्रोजेक्ट थे वहां फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो प्रोजेक्ट डूबे हैं। तो 2016 के बाद तो चूंकि खंडेलवाल साहब आ गए और हमारी रेरा बॉडी एक्टिव हो गई, तो सारे का सारा मैं आपको एक ब्यूटी बता दूं रेरा की, कि जितना भी आपका प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के बाद का बजट है उसका 70% पैसा आपका कंट्रोल में होता है रेरा बॉडी के अंदर। तो उससे आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट को मैनेज कर लोगे, उसमें फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएंगे, क्योंकि सारा रेरा की ऑब्जर्वेशन में वो एक्सपेंसेस होता है, तो वो डूबने का खतरा ही नहीं। और बाकी बहुत सारी बायोलॉजिस्टर ने बताया वो हैं। पर 2016 से पहले के जो प्रोजेक्ट हैं
उसमें क्या हुआ कि रेरा ने सेम हंटर से उनको भी चलाने की कोशिश की, तो वहां चूंकि पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस था तो वो लोग, वो बिल्डर्स क्या हुए, मार्केट छोड़ के भागने लगे और वो दिवालिया हो गए। और उसका परिणाम बाई चांस आज ये रहा कि आज करीब करीब 25,000 घर गुड़गांव में ऐसे हैं करीब, और उसकी मैं मूल्यांकन करूं तो करीब 25,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री ऐसी है जो मेरी आपकी हम सबकी है, जहां आज कंप्लीशन की कोई उम्मीद नहीं है। तो उस जगह पर मेरे को लगता है कि रेरा में दो बॉडी काम करनी चाहिए थी, एक जो 2016 से पहले के प्रोजेक्ट्स थे उनको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि वहां की जो मर्ज है वो अलग है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वहां पर हमें चाहिए था लेट से किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, तो उस जगह हमें एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए थी जिसमें से 400-500 रुपए पर स्क्वायर फीट का चलो बायर पे डाल दिया, राइट, कुछ 200-250 रुपए पर स्क्वायर फीट का गवर्नमेंट बियर करती, कुछ बिल्डर पर डाला जाता। तो आप ये कह रहे हैं कि 2016 से पहले के जो प्रोजेक्ट थे वो भी कंप्लीट होने चाहिए थे, वो पूरे पूरे किए जाने चाहिए थे। चलिए खंडेलवाल जी से ये जवाब ले लेंगे इस बात का। हाँ, मैं एक छोटी सी बात आपको बहुत जल्दी जी, और सर से भी मैं जरूर एक ये सलाह करना चाहूंगा कि जो वो आप 25,000 के करीब अपार्टमेंट जो अटके हुए हैं, जो 25,000 करोड़ की इन्वेंट्री, और उसमें खास बात यह है कि 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ गवर्नमेंट को रिवेन्यू हो सकती है क्योंकि उनकी रजिस्ट्री होगी, उन पर जीएसटी आएगा, तो गवर्नमेंट को भी रिवेन्यू आ रही है, तो क्या उनको किसी तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं क्या इस पर, क्योंकि आपकी टीम, मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया है, बहुत छोटी टीम है, मैं रेरा में बहुत बार गया हूं, करीब 20 लोगों की सर की टोटल टीम है और उसमें 25,000 केस निपटाना मायने रखता है, उसके बावजूद क्या आप मानते हैं सर इन 25,000 लोगों को हम कैसे घर दें? सर देखिए, तारीफ तो की है कि अच्छा काम किया गया, लेकिन जो 2016 से पहले के काम थे जो अधूरे रह गए, क्या उन्हें कंप्लीट किए जाने का ये सुझाव कंसीडर किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में? देखो, आपने बहुत बेबाकी के साथ और सच्चाई के साथ अपनी बात रखी है। पहली चीज तो ये समझिएगा कि ये जो कानून आया ना, ये कानून 2016 में बना, एक वर्ष का समय दिया गया राज्य सरकारों को कि वो तैयारी करें ताकि इस कानून को लागू किया जा सके, अथॉरिटी सेटअप करना है, प्रोसीजर्स बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं। 1 मई 2017 को ये पूर्ण रूप से कानून लागू हो गया। 1 मई 2017 को दो तरह के प्रोजेक्ट्स रेरा के डायरेक्ट एम्बिट में आते थे, एक वो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिन कंप्लीट नहीं हुए यानी उस समय हरियाणा सरकार ने कहा कि जिनका ओसी जारी नहीं हुआ है फ्लैट्स के मामले में, और प्लॉट्स के मामले में जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है, यानी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कह दिया उन्हें, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था ताकि वो प्रोजेक्ट्स पूरे हों। और दूसरा, नया प्रोजेक्ट इस तारीख के बाद कोई भी आएगा तो जब भी सेल, परचेज, बुकिंग, मार्केटिंग, सैंपल फ्लैट जो भी बनेंगे तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यानी रजिस्ट्रेशन में दो चीजें रही, पहली न्यू प्रोजेक्ट्स और दूसरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ये गुड़गांव में रेरा क्यों खुली, हर स्टेट में एक रेरा है, हरियाणा में दो रेरा है, छोटा स्टेट और यहां भी एक जिले के लिए एक रेरा क्यों? जब मुख्यमंत्री जी यहां आते थे, ग्रीनो पॉलिश प्रोजेक्ट था गुड़गांव में, 1825 उसमें फ्लैट बायर्स हैं, 2200 फ्लैट्स में से 1825 बिके हुए हैं। 1825 फ्लैट बायर्स में बेचारा एक जनरल कारगिल पे खड़ा हुआ है, एक विधवा जो कि आज 70 साल की है और वो है ना कि बिल्कुल अपनी उसके अंतिम सांसों के करीब है, छोटे कर्मचारी, सैनिक, रिटायर्ड लोग, मिडिल क्लास बिजनेसमैन, वो सब लोग तख्तियां लेकर के अरेस्ट हो जाते थे। समस्या मतलब एक प्रोजेक्ट के इस तरह के करीब यहां 35-36 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो प्रोजेक्ट्स हेविली स्ट्रेस प्रोजेक्ट थे। यूनिटेक का तो एक मामला अलग हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़ा और यूनिटेक के करीब 15,000 बायर्स का लगता है मुझे कि धीरे धीरे उनका मामला सेटल हो जाएगा। जो आपने कहा, आशा सबसे बड़ी चीज है, संभावनाओं पर ही भविष्य टिका हुआ है। लेकिन जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे उनमें दो तरह के प्रोजेक्ट, यानी आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, 50% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं
जिनमें बिल्डर का दोष नहीं था, दोष क्या था देखिएगा, ये जो है सेल्फ फाइनेंस सेक्टर है, बिल्डर यानी ऐसे बिल्डर भी हैं यहां जिनके जेब में चार आने नहीं होते। पॉलिसी क्या है, आप लैंड ओनर को पकड़ लिया, बोलो भाई तेरी जमीन का कोलैबोरेशन कर ले, जमीन इनकी, मैंने कोलैबोरेशन कर लिया, मैंने अपनी वो दिखा दी फाइनेंशियल और टेक्निकल पोजीशन। फाइनेंशियल और टेक्निकल शुरुआत में क्या होती है, हर बिल्डर जब पहली बार बिल्डर का काम करता है तो नया होता है, उसकी कैपेबिलिटी आंक दी, आपने जाके लाइसेंस ले आए, प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, बिना लाइसेंस से पहले प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, लाइसेंस तो सर माफी के साथ रोकूंगी मैं आपको, ये लाइसेंस दिए जाने की लीगल क्या टेक्निकलिटीज है जी? दो मिनट सुन लो आराम से, आपको चीज इंटरेस्टिंग लगेगी। जो बेचारा किसान की तो जमीन गई, उधर से कोलैबोरेटर था उसने एक पैसा नहीं लगाया, लाइसेंस को अप्लाई किया उसने या नहीं भी किया उससे पहले उसने बेचना शुरू कर दिया, ये माल प्रैक्टिस थी, लोगों से पैसा ले लिया, उधर से उस जमीन को गिरवी रख करके बैंक से लोन ले लिया। क्राइसिस आप खुद खड़ी करते हो, आप दुकान तो खोलने जाते हो 10 करोड़ रुपए की, पैसे आपके जेब में 100 रुपए हैं। जो कुछ दूसरे पास पार्ट पे भी आऊंगा जहां बिल्डर्स का कोई दोष नहीं था। अब यहां क्या हुआ, सोना में रहेजा बिल्डर्स ने किसानों की जमीन ले ली, प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, सरकार से लाइसेंस भी नहीं आया, उधर से बैंक से लोन ले लिया, और बैंक का चूंकि ये कार्यवाही शुरू उसमें हुई नहीं, एनवायरमेंटल क्लीयरेंस आई तो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, उस पैसे से लगा के कहीं और जमीन ले ली। अब क्या हुआ, बैंक का रिपेमेंट नहीं हुआ, बैंक ने किसान की जमीन को काम हम कुर्की करेंगे इसकी, किसान गया, अगला आदमी पैसे लेके चला गया, एलोटीज गए जिनको जिन्होंने पैसा लगाया, और बैंक का पैसा ही मारा, बैंक लेना चाहता था, वी इंटरवीन्ड, वी वर दी ओनली अथॉरिटी इन दी कंट्री जिसने कहा नहीं, बैंक ने फाइनेंस करते समय क्यों नहीं देखा इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, बैंक के अधिकारी क्यों आंख मूंज करके मूंद के बैठ गए, बैंक ने क्यों नहीं देखा प्रोग्रेस क्या हो रही है, फंड्स रिलीज करते गए आप। सबसे पहला राइट है एलोटी का, तो बैंक जमीन को ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जमीन को ले ले बैंक, लेकिन कब ले, पहले एलोटीज का पैसा दे दे, फिर इसको ऑक्शन करे, जो बचे उससे अपना लिखा। सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया, राजस्थान के मामले में हमारे जजमेंट को कोट करके सुप्रीम कोर्ट एग्रीड विद अस, हमने एलोटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया और बिल्डर को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि बिल्डर ही मर रहा था यहां, यदि बिल्डर की वो जमीन चली गई तो किसान भी उसके पीछे परमानेंट पीछे पड़े रहेंगे जिनकी जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है, किसान को ही बचाया बिल्डर को ही बचाया। अब कुछ मामलों में क्या हुआ, जो बिल्डर ठीक थे, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स हैं, 1000 फ्लैट्स उसने प्रोजेक्ट ले आया, 1000 फ्लैट्स में से शुरुआत में बिके उसके 200 फ्लैट, कंस्ट्रक्शन सारी शुरू कर दी, अब बिके 200 तो 200 का पैसा तो 20% ही आएगा, सारे प्रोजेक्ट को आप शुरू करोगे मान लीजिएगा तो कंस्ट्रक्शन 5% होगी। फर्दर क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे क्या हुआ कि उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाया या टोटल ज्यादा बायर्स नहीं मिल पाए, शुरुआत में कुछ बीच में गैप आ गया, उन लोगों का पैसा अटक गया, बिल्डर ने लोन लेना शुरू कर दिया, लोन लेना शुरू किया तो लोन की किस्तें बढ़ गई, कुछ मार्केट मिसमैच, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट खराब थे, तो बिल्डर को अच्छे बिल्डर को भी जो जेन्युइनली काम पूरा करना चाहता था उसको भी नुकसान हुआ। क्यों, क्योंकि उसकी मार्केटिंग पे फर्क पड़ा और वो पैसा जनरेट जो कर सकता था, जो उसने एक अपनी एक्स्ट्रापोलेशन की थी मनी इनफ्लो की, वो उसकी फेल हो गई। लेकिन ऐसे लोग भी थे यहाँ, सब तरह के समाज है, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, यहाँ बहुत अच्छे बिल्डर हैं, आज गुड़गांव को कहते हैं सिटी ऑफ फ्यूचर, मिलेनियम सिटी, चंडीगढ़ को कहते हैं सिटी ब्यूटीफुल, कहते हैं सिटी ब्यूटीफुल से भी आगे जाएगा ये सारी बात, क्यों कहते हैं, इसमें बिल्डर्स का बहुत बड़ा योगदान है। यदि आज गुड़गांव में इस तरीके की सुंदर रियल एस्टेट नहीं आती तो गुड़गांव का नाम इंटरनेशनल सीन पर नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ जब इकोनॉमी ग्रो करती है बहुत सारी बुराइयां भी पैदा होती हैं। इस शहर की सबसे बड़ी जो कमी है मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़गांव फरीदाबाद की, ये शहर सारा के सारा दलालों का शहर है, अफसर दलाली करते हैं यहाँ, पॉलिटिशियन दलाली करते हैं यहाँ, आपके पुलिस के कई ऐसे लोग मिल जाएंगे दलाली करते मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स का तो चलो काम ही है उनका, तो चलो ये कमीशन का काम है, लेकिन ये जो सारे लोग हैं यहाँ, इन सब लोगों का काम ही बन गया है। यहाँ तो दफ्तर में कमरे में कोई आ जाए आपको मालूम नहीं है कि वो आपको बाहर आके क्या बेचाएगा, और ये खूब बड़ा डेली है। काजल की कोठरी में रहकर के हम काम करते हैं, यदि हम अपनी
अच्छे काम के डिलीवरी से हो सकता है, थोड़ा बहुत काजल की कालिख तो लगती है जगह जगह, लेकिन कोशिश हमारी ये है हम सही काम करें। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, जो कि रियल एस्टेट एजेंट यदि कोई मौजूद हो या सुन रहे हो, उनके लिए यदि कानून है तो कानून का पालन करना होगा। यहां एक बड़ी बहुत बड़ी माल प्रैक्टिस चली आ रही है, वो ये है कि भाई हरियाणा सरकार ने कानून बनाया, हरियाणा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स रेगुलेशन एक्ट, उस एक्ट के तहत रूल्स बने। ये 2009 का कानून है, 2010 में रूल्स बने। रूल्स में एक आ गया रूल नंबर 10, 10 नंबर जो रूल हमेशा तंग करता है, उसमें एक आ गया कि बिल्डर सॉरी कमीशन एजेंट जो है, ब्रोकर जो है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, वो 1% मैक्सिमम कमीशन ले सकता है, आधा परसेंट बायर से आधा बिल्डर से। हम ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहते हैं सही है गलत है, हम ये कहते हैं कि आप इनकी एसोसिएशन से भी कहा हमने, यदि लगता है आपको कि ये गलत है, लगता है कि आपको कोई सर्विस गवर्नमेंट नहीं देती, तो इस हिसाब से इसको हटवाया जाए जी, या इसको आपको लगता है रीजनेबल किया जाए, लेकिन जब तक कानून है तब तक आप इसकी पालना करिएगा। हम अपने जजमेंट्स में आगे से जो भी जजमेंट्स दे रहे हैं उनमें ये कर रहे हैं, यदि ब्रोकरेज चार्ज करके और वो काट रहा है, सरेंडर कर रहा है कोई एलोटी और वो बिल्डर काट रहा है, तो ब्रोकरेज उतनी ही काटेगा जितनी की आधा। बिल्कुल, इस पर भी आएंगे क्योंकि एक्शन इस पर लिया गया के। रेणु जी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि रियल स्टेट की बात हो रही है साथ साथ ही महिलाओं से जुड़े विषय को लेकर बात हो रही है? अच्छा, एक कड़वी हकीकत कही गई अभी खंडेलवाल जी की ओर से। महिला कमीशन की चेयरपर्सन यहाँ मौजूद है, तो मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूँ, हमने महिलाओं के लिए एक सेपरेट हेल्पलाइन शुरू की हुई है जी। उसमें हमारे यहाँ दीपा मलिक, आपने नाम सुना हो, फेमस ओलंपियन है जी, शी इज अवर चीफ मीडिएशन ऑफिसर। जब वो यहाँ मौजूद रहती हैं तो वो स्पेशली महिलाओं की जो मीडिएशन के मैटर्स हैं वो सेटल करती हैं, दोनों ही। कई बार हस्बैंड वाइफ में या फैमिली में डिस्प्यूट होता है उन मैटर्स को भी, और कई बार उनके चीजों को प्रायोरिटी पर लेकर के बिल्डर के साथ उसको करा करके। स्वागत है आपका जी, और आपके यहाँ विधायक जी हैं बड़े जो हैं सजग और सतर्क विधायक जो हैं, और जो जिनकी आवाज में तेजी नहीं दम भी है। बिल्कुल, इनसे भी बात करेंगे इनके हलके के विकास को लेकर, गुरुग्राम के विकास को लेकर। आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं जो कि अभी खंडेलवाल जी की ओर से कहा गया कि दलाली वाली शहर है गुरुग्राम और फरीदाबाद, क्योंकि सरकार तो बहुत प्रयास करती है कि जीरो टॉलरेंस हो करप्शन के खिलाफ खासतौर पर? नहीं, उस पर कंट्रोल नहीं, उस पर कोई मॉनिटरिंग हो पाई है? बिल्कुल ठीक बात है, आप इत्तेफाक रखें जी। अच्छा, महिलाओं को लेकर ही बात करते हैं फिर, वन स्टॉप सेंटर जो शुरू किए गए, आपको लगता है कि सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, महिलाओं को उनका फायदा मिल पाया है? देखिए, पहले मैं खंडेलवाल जी की बात को फूल चढ़ाना चाहूंगी। मैं बहुत पुराना जानती हूँ खंडेलवाल जी को, एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग ऑफिसर है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रास्ता निकालने वाले लोगों में से हैं। मैं क्योंकि ग्रीवेंसेस कमेटी की मेंबर भी हूं, तो ग्रीवेंसेस में इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं महिलाओं के, कि बिल्डर्स ने पैसे ले लिए, 8-8 साल 10-10 साल हो गए और पोजेशंस नहीं दी, तो उसका भी ये इतना अच्छा रास्ता निकाल रहे हैं, उसके लिए मैं इनको साधुवाद देती हूँ। आपने मुझे पूछा कि वन स्टॉप सेंटर्स का, 2015 में वन स्टॉप सेंटर्स पूरे देश में शुरू किए गए थे, लगभग 775 के करीब ये वन स्टॉप सेंटर्स हैं, और इनको शुरू करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, माननीय मोदी जी ने इस चीज़ को बड़ी बारीकी से लिया था। ये इस सोच के साथ खोले गए कि जब किसी महिलाओं के साथ प्रॉब्लम आती है या उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि उस महिला को कोई शादी करके ले आया और दूसरे शहर जाकर छोड़ दिया, या किडनैप करके ले आया, या कोई छोटी बच्ची को इस तरह से फिजिकल मिसयूज करके दूसरे शहरों में छोड़ दिया गया, तो उस बच्ची को पुलिस कहाँ पर रखे, सेफ कहाँ पर वो हो सकती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए वन स्टॉप सेंटर्स खोले गए। कई बार पत्नी को घर से निकाल दिया जाता है तो उसके पास कोई स्थान नहीं होता, तो वन स्टॉप सेंटर्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि 4-5 दिनों तक हम उस लड़की को, उस महिला को, उस बच्ची को रख सकते हैं, जब तक कि हम उसको सही हाथों में नहीं सौंप देते। बहुत सारी ऐसी लड़कियों के केसेस आते हैं जिनको आप काम वाली के लिए, काम के डोमेस्टिक जो है सर्वेंट के तौर पे आप उनको लाते हैं, और फिर उसके साथ फिजिकल मिसयूज होता है। अब वो लड़की जब अपनी शिकायत दर्ज करती है अपने जो मालिक के खिलाफ या उनके परिवार में जिसने भी उस तरह से किया, उसके बाद हम उस बच्ची को कहाँ, कैसे उसके घर तक पहुँचाएं,
तब तक वो कहाँ रहेगी, ये वन स्टॉप सेंटर्स का मुख्य उद्देश्य होता है और हरियाणा में बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। मेरा हर 10 दिन में एक वन स्टॉप सेंटर में विजिट रहता है, जिस भी जिले में हम जाते हैं वहाँ की हेयरिंग सेशन लेते हैं, उसके बाद हम वन स्टॉप सेंटर विजिट करते हैं, उसके बाद हम महिला थाने में विजिट करते हैं। तो इन तीनों का कनेक्शन है, क्योंकि केसेस का, वन स्टॉप सेंटर्स का, महिला थानों का, तो हम उनको देखते हैं। और अभी तक के 22 के 22 वन स्टॉप सेंटर हरियाणा के बहुत अच्छे चल रहे हैं। कुछ को स्थान की दिक्कत थी, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको हर सिविल हॉस्पिटल की बाउंड्री के अंदर जो है स्थान दिया, लगभग 300-400 गज का, जिसमें 2 रूम सेट वहाँ के जो इंचार्ज है उसके लिए रहेंगे और 3 रूम्स जो है आने वाले बच्चों के लिए या लड़कियों के लिए जो वहाँ पे रहेंगी। तो वन स्टॉप सेंटर्स आर डूइंग वेरी गुड। अच्छा, महिला आयोग को लेकर आप बताएं कि महिला आयोग यूं तो महिलाओं के हितों के, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए है, लेकिन क्या ये सुनिश्चित किया जाता है कि राजनीति से दूर रहे या कम से कम सत्तासीन दल का कोई असर ना रहे उसमें? मैं फॉर्चुनेट हूँ इस बात के लिए कि अब तक जितने भी केसेस को मैंने देखा है, मुझे कोई इंटरफेरेंस नहीं मिली। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से एक दो बार मैं मिलने भी गई हूँ बनने के बाद, तो भी जब हमारी चर्चा होती है तो वो पहली बात यही पूछते हैं कि आयोग कैसा चल रहा है। तो मैं जब बताती हूँ कि आयोग निष्पक्ष, ईमानदारी से, आपके पदचिन्हों पर ट्रांसपेरेंसी से फैसले करता है, तो उनको यही रहता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फैसले हों, जो गुनहगार है उसको सजा दिलाओ और जो दोषी नहीं है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। तो ये जब आशीर्वाद मिल जाता है या जब इस तरह की बात आपको मिल जाती है, तो आपका विजन भी बढ़ जाता है फैसले करने में और आप बहुत सिंपल और ईमानदार तरीके से फैसले करते हैं। बिल्कुल संजय जी, आपने सुना अभी खंडेलवाल जी को, आपने सुना ब्रोकरेज की बात है कि लोगों के साथ कुछ गलत ना हो या कमीशन का जो हिस्सा है वो कम से कम तय हो, कुछ एक्शन भी लिया गया है गुरुग्राम में, उसकी आप तारीफ करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले तो हमें रियल स्टेट कंसल्टेंट को समझना पड़ेगा वो है कौन। रियल स्टेट कंसल्टेंट वो धुरी है जो ये सारी चक्की चला रही है पूरे गुड़गावा की और पूरे देश की, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं और जिसको मोदी जी कहते हैं कि आने वाले 25 साल में देश हमें विकसित बनाना है। तो ये गवर्नमेंट का फेस भी है, ये बिल्डर का फेस भी है और ये कस्टमर का फेस भी है, तो इन सबके एक मीडिएटर धुरी है। रियल स्टेट कंसल्टेंट की मैं बात करूं, अगर डेवलप कंट्रीज में आप जाएं तो कनाडा में रियल स्टेट कंसल्टेंट के लिए बकायदा एक आपको डिग्री करनी होती है, उसके बाद आप रियल स्टेट कंसल्टेंट बन सकते हैं। आप यूएस में जाएं, दुबई में जाएं, कहीं भी जाएं, और उनकी ब्रोकरेज चार्ज, वैसे मैं आपको बता दूं, 3% मिनिमम होती है सर सेलर से, 3% बायर से। ये रियल स्टेट कंसल्टेंट का रोल होता है, कारण कि आपकी जिंदगी भर की कमाई मेरे कहने पर कहीं लग रही होती है तो मेरे पास जो प्रोफेशनल काम है वो बहुत जिम्मेदारी का है। मेरे पास शहर को संभालने का काम भी है, क्योंकि मैं शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के प्रॉपर्टी बेच रहा हूं और मैं सरकार ने जो प्रोमिसेस किए हैं उनको आपको सामने ला रहा हूं और जो बिल्डर ने किया वो भी सामने लेके आ रहा हूं। तो उस जगह पर जो एक कानून है 2009 वाला, मेरे ख्याल है इसमें जरूर हरियाणा सरकार को खासतौर पर इंटरफेयर करना चाहिए कि जब एक प्रोफेशनल काम कर रहा है, डॉक्टर की कोई फीस लिमिट नहीं है, इंजीनियर की नहीं है, किसी सीए की नहीं है, किसी आर्किटेक्ट की नहीं है, ब्रोकर की आधा परसेंट, मैं आपको फैक्ट बताऊं, खर्च क्या सुझाव, या तो कैप ना लगाई जाए या फिर ज्यादा की जाए जी। अगर एक्सपेंसेस और लायबिलिटी को आप निकालोगे तो 5% कमीशन भी कम है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट काम करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी आदमी की पूरी लाइफ की कमाई होती है, तो वो तो जरूर हरियाणा सरकार को उस पर सोचना चाहिए। साथ ही साथ इसमें क्या अच्छा किया हरियाणा सरकार ने वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से आप डेवलप कंट्रीज में देखोगे डिग्री मैंडेटरी है, वहां हमारे हरियाणा ने इसमें अगेन खंडेलवाल जी का बड़ा रोल रहा है कि हमारे यहाँ अगर रियल स्टेट कंसल्टेंट का कोई काम कर रहा है तो उसके लिए 2 चीजें मैंडेटरी है, एक रेरा में रजिस्टर्ड होना। आज करीब करीब 20,000 कंसल्टेंट मार्केट में काम कर रहे हैं, पर 1,850 ही हैं जो रेरा में रजिस्टर्ड हैं। जब रेरा में आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको पूरी लीगल टेक्निकलिटीज का पूरा आपका ब्यूरो चेक होता है, साथ ही साथ डीसी साहब के यहां से भी आपको लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, जिसके अंदर आपकी पूरी वेरिफिकेशन होती है, इवन पुलिस वेरिफिकेशन, आपकी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन, कहां आपका ऑफिस है, उसके बाद आप रियल स्टेट कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं। तो इसमें मैं चाहता हूं कि आप ब्रोकरेज वाला जो कैपिंग है वो तो जरूर हटाएं सर,
साथ ही इसमें जो काम करना है वो हमें करना है कि प्रोफेशनल डिग्री हम ऐड करें। दो चीजें आपने बहुत अच्छी कर दी हैं, रेरा में रजिस्ट्रेशन और डीसी साहब के यहाँ से सर्टिफिकेट, उसके बाद कंसल्टेंसी की जा सकती है। इट मीन्स कोई वायत आदमी आके यहाँ काम कैपिंग, नहीं कर सकता। खंडेलवाल जी, कैपिंग अगर हटाई जाती है, अभी तो अगर मगर की स्थिति है, चूंकि केवल ये सुझाव है तो मनमानी मनमानियां तो होंगी। आगे से इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जो है ना कि इंटरनेशनली देखा जाए तो ब्रोकरेज की जो कमीशन चार्जेज है 2000 वेरी हाई, वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा है। हमारे यहाँ क्या था कि हम लोगों ने इनसे डिस्कस किया, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की जो एसोसिएशन है उनसे हमारी एक महीने पहले मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में करीब 30-35 के करीब आदमी इनके आए थे, उनसे हमारी बात ये हुई थी। दो चीजें, एक चीज तो ये, यस इट इज ए प्रोफेशनल सर्विस। एक आदमी अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहा है तो प्रोफेशन जब तक अपने आप को, आज क्या है दो तरह के, यहाँ अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं। बुरा लोग क्या है, बिल्डर की ओर से एक्ट करता है, झूठ बोल बोल के उसको गलत फंसाता है। अच्छे लोग भी हैं जो कहते हैं नहीं, प्रॉपर्टी डीलर क्या करते हैं, अच्छे जो लोग हैं उसको कहते हैं नहीं यार तेरी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी मैं कम कराए तो ज्यादा मांग रहा है तो ये इससे जरूरत है। और उसमें कहा है कि उसको जितना परसेंट वो ब्रोकरेज दे रहा है ना उससे ज्यादा फायदा भी करा देते हैं, ऐसे फर्म भी है यहाँ। तो इससे प्रोफेशनल सर्विस हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया, देखिएगा इस कानून को हटाने के लिए आप, उन्होंने रिप्रेजेंट दिया, मैंने उनकी ओर से चिट्ठी लिख करके सरकार को तैयार कर दिया, उसको एक दो दिन में चली जाएगी वो, कि इस विषय पर गवर्नमेंट में रिव्यू डिसीजन। नंबर वन। नंबर टू जो जरूरी है, एक कोड ऑफ कंडक्ट इज ए मस्ट बोथ फॉर दी बिल्डर्स एज वेल एज फॉर दी कंसल्टेंट्स। बिल्डर्स के क्या क्या होता है, पहले बिल्डर्स आऊंगा फिर मैं एजेंट्स पे आऊंगा। बिल्डर्स, हर बिल्डर के यहाँ ऐसा बिल्डर शायद ही कोई होगा जिसने बाउंसर नहीं रख रखे हो, बाउंसर दफ्तर के बाहर बैठे होते हैं। एक कॉमन आदमी जाता है तो उसको घुसने नहीं देते, लिफ्ट में ही मालूम पड़ता है लिफ्ट मैन भी बाउंसर है, वो लिफ्ट से उतार देता है। लिफ्ट में घुस के धक्का करके ऊपर तक पहुंच भी गया तो फिर वहां गेट में नहीं घुसने देंगे, और अंदर घुस के बैठ गया वो तो वो अंदर से मैनेजर ही नहीं आएगा या जो कस्टमर रिलेशंस वाला आदमी वही नहीं आएगा, वहां भी दो बाउंसर बैठे मिल जाएंगे, उसे डरा देंगे भगा देंगे। यानी एक जरूरी है कि कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द गॉड, महात्मा गांधी कहते थे भगवान है ग्राहक, उसको भगवान की तरह नहीं इंसान की तरह तो आप डील करिएगा। कोड ऑफ कंडक्ट बिल्डर्स के लिए जरूरी है। एवरी एलोटी हैज ए राइट टू सीक रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बिल्डर, नहीं देता है इट इज वायलेशन ऑफ द एक्ट, इट इज वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए बिल्डर। नंबर टू एजेंट्स का जरूरी क्या है कि एजेंट्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे भी हैं, हम लोगों ने डिस्कस करके किया है भाई हम एटलीस्ट कंपल्सरी बना, रेगुलेशन अभी ना बनाए फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में हम ट्रेनिंग कराएं, जब रिन्यूअल करें हम इनका, पुराने तो जो हो गए करीब यहाँ जैसे इन्होंने बताया 15 से 20 हजार आदमी यहाँ काम करते हैं, 1800 यहाँ रजिस्टर्ड हैं, 1200-1300 आदमी ऐसे थे जो पंचकुला रजिस्टर्ड हो गए थे बिगनिंग में, करीब 3,000-3500 के करीब आदमी ऐसे हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड हैं, वेरिफिकेशन जैसे बता रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह मौजूद है उनकी। रियल एस्टेट एजेंट भी अपने यहाँ एक, अभी तो उनको इनका इनकम टैक्स को जो रिक्वायर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो रखनी है, लेकिन कहते हैं उनके पास जो भी प्रोजेक्ट को आप डील कर रहे हो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे नक्शे, लेआउट प्लान, अप्रूवल्स सारी मौजूद होनी चाहिए, ताकि कोई भी आदमी प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, क्या पेमेंट प्लान है, कितने कितने टाइम पर पेमेंट प्लान है, ताकि एक आदमी जो इंटेंडिंग इन्वेस्टर है वो आदमी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि मुझे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, दैट इज देयर प्रोफेशनल एक्यूमेंट। तो मैं ये भूल गया उस समय कहना, जहां बिल्डर्स का बहुत बड़ा रोल है इस गुड़गांव की ग्रोथ में, उससे भी बड़ा रोल रियल एस्टेट एजेंट्स का है, क्योंकि यदि मार्केट प्रोडक्ट तैयार है और प्रोडक्ट की यदि मार्केटिंग नहीं है बिल्कुल तो उसे कैसे बेचेंगे स्केल होकर के। और वो अच्छा सर देखिए एक आपने अच्छी बात कही, क्योंकि रियल एस्टेट को थोड़ा लोग टेक्निकल समझते हैं, हमारे जो दर्शक हैं सरल भाषा में समझते हैं कि बिल्डर्स हैं, और जैसा कि आपने कहा कि उनके साथ बाउंसर्स हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनको अप्रोच करना भी मुश्किल है। अब गुरुग्राम में क्या कुछ बिल्डर्स की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोका गया है, उनके पीछे क्या कारण है और आगे उनका क्या कुछ हो सकता है, कोई जानकारी? देखिएगा स्ट्रेस प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि आपने कहा सजेशन आप लोगों से आया है, जहां फंड्स की कमी थी, जो प्रोजेक्ट्स केवल मात्र जिनमें कोई साइफनिंग ऑफ नहीं हुई, कोई डाइवर्जन नहीं हुआ, कोई फंड्स की हेराफेरी नहीं हुई, जहां केवल मात्र पॉसिटी ऑफ फंड्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कारण जो रुके थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25,000 करोड़ रुपए का स्वामी फंड इंफ्यूज किया।
एंड स्वामी फंड जो है वो ड्यू डिलीजेंस करता है 5 तरह की, उसके बाद उसको अप्रूव कर देता है। जैसे ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल स्वामी फंड देता है वो रेरा के पास आ जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड निकल चुका होता है। पहले तो 2006 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कहा 9 में दे देंगे, 8 में दे देंगे, 10 निकल गया, 12 निकल गया, फिर रेरा आ गया। फिर रेरा ने पूछा बताओ कब पूरा करोगे, ऑनगोइंग का, कहा जी 2 साल में कर देंगे, वो 2 साल भी निकल गए। फिर आया बोला जी 1 साल का एक्सटेंशन दे दो, 1 साल ही दे सकते हैं हम, वो भी दे दिया। अब जब वो पीरियड सारा निकल गया, भाई यू हैव फेल्ड वंस, यू हैव फेल्ड ट्वाइस, यू हैव फेल्ड थ्राइस, नाउ वी नॉट अलाउ यू टू फेल। जब उसके बाद कहता है तू बता कितने टाइम में करेगा और पूरा हिसाब दे, जैसे तेरा प्रोजेक्ट आज की तारीख में कितना हो चुका है, कितना तेरा खर्चा हो चुका है, कितना तेरा पैसा इकट्ठा हो चुका है, कितना पैसा लोगों से आना है, कितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री है, कितना तेरे पास पैसा है, अब बता दे, और कितना तुझे लोन मिल रहा है, सॉलिड पेपर्स क्या है। अब उसकी बात जो वो रीजनेबल बात जो कहता है, हम उसको कहते हैं वी विल नॉट रिवोक योर रजिस्ट्रेशन, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस बाय द डीटीसीपी इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ प्रोजेक्ट को पूरा कैसे करें, पूरा करने के लिए हम उससे सारी सूचना ठोक बजा के लेते हैं। उस समय 7-3 के टाइम पर जब नया एक्ट आया था, रजिस्ट्रेशन भी पंचकुला से फटाफट हो गए थे, हमारे यहां भी शुरू शुरू ऐसे ही हुए। अब हमको जब धीरे धीरे वी लर्न बाई एक्सपीरियंस तो हमने ठीक किया। तो पुराने प्रोजेक्ट जितने भी हैं, यू विल बी हैप्पी टू नोट कि करीब 13,000 समथिंग, 14,000 के आसपास फ्लैट्स ऐसे हैं जिनमें स्वामी फंड आ चुका है और जिनकी कंस्ट्रक्शन शुरू आइदर हो चुकी है या इन दी प्रोसेस है। सारे गुड़गांव सबसे घटिया प्रोजेक्ट था यहाँ का, उसके यही मालूम नहीं है प्रमोटर कौन है, किसी फंड था आज तक नहीं मालूम किसी को उसके प्रमोटर कौन है, डायरेक्टर कौन है। सारे गुड़गांव का एनसीएलटी ने करके अब एक नया बिल्डर आ गया और वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया। खुशी की बात, ग्रीनवुड पॉलिश प्रोजेक्ट है वो शुरू हो गया, जो कि ग्रीनवुड पॉलिश प्रोजेक्ट पूरा अटका हुआ था। एक आईएलटी प्रोजेक्ट है हमारे पास जो सबसे बड़ी आफत है हमारे लिए बनी हुई आज की तारीख में। आईएलटी प्रोजेक्ट में परसों हमने उससे ये कहा, दफ्तर में आके बैठा, मैं तेरी घड़ी कितने की है, बोले 30 लाख रुपए की, और मैं तेरी गाड़ी बोला ये होगी 30-40 लाख रुपए की, मैं 40 और 30 70 लाख रुपए तो यही छोड़िया, तू टैक्सी से जा जब तुझे महसूस होगा इन लोगों की फ्लाइट क्या है। बिल्कुल, हुआ क्या कि उसमें स्वामी फंड भी आ गया लेकिन वो बाकी चीजें उसका ईडीसी बाकी है। वहां दिक्कत उसकी ये नहीं है, कई प्रोजेक्ट तो उसके ठीक है जहां उसने पैसा डाइवर्ट नहीं किया, 100 करोड़ आया 140 लग गया, अब 20-30 करोड़ रुपए चाहिए तो वो उसे अरेंज करने हैं। वहां वी आर बिकमिंग स्लाइटली लिबरल, हम ये नहीं कह रहे भाई सरकार का ईडीसी रह गया, हम कहते हैं इसके अनसोल्ड इन्वेंट्री अटैच कर देते हैं, सरकार ने लाइसेंस रिन्यू नहीं भी किया हम इसको रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर देंगे ताकि तू काम, लेकिन ही शुड नॉट टेल ए लाई नाउ। 4 साल से हमें बेवकूफ बना रहा है, जब भी आएगा लोग इकट्ठे होकर आएंगे हमारे यहाँ दफ्तर में, उसे बुला लेंगे, बोला जी साहब 15 दिन का टाइम दो, 15 दिन में प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगी, और उसमें पूरा नहीं हो पाता फिर 15 नहीं 4 साल से बना रहा है। अब जब जाके हम उसके पीछे लगे हैं भाई आइदर उन्हें बैन रोक दिया गया है, ठीक, क्योंकि जब वो नहीं मानता तो हमारे पास लास्ट सॉल्यूशन जो है उसको सिविल प्रिजन में बंद कर दें, वो भी सॉल्यूशन नहीं है। आज हमने करीब 32 बिल्डर्स के अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं हमारे एडवोकेटिंग ऑफिसर ने जी। अब वो कारण के, अब वो बिल्डर पहले तो सोचते थे बोले रेरा क्या कर लेगा भाई, ऐसा है बिल्कुल, इसे देखिए कमजोरी मत समझो जी। खंडेलवाल जी आने लगे तो कह रहे हैं साहब ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, इससे अच्छा तो इनके लोगों के पैसे दे देते, रोज पुलिस वाले आ जाते हैं और पैसे और देने पड़ते। इससे देखिए हमारे दर्शक समझ सकते हैं कि खंडेलवाल जी को हमने शुरुआत में तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर क्यों इनका परिचय कराया। रेणु जी, गुरुग्राम के विकास को लेकर भी आपसे बात कर लेंगे, क्योंकि गुरुग्राम कॉन्क्लेव हमारी है, केवल हरियाणा नहीं बल्कि देश को गुरुग्राम ने पहचान दी है। क्या आपको लगता है कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना किया गया, या फिर अभी कोई दरकार है जो कि काम किया जाए गुरुग्राम के लोगों के लिए? देखिए मैं गुरुग्राम के साथ पूरे हरियाणा की बात भी जरूर कहूंगी कि 2014 के बाद आप अगर कंपैरेटिवली चेंजेस देखें तो कंपैरिजन करेंगे तो बहुत चेंजेस हुए हैं, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हुए हैं, चाहे जैसे अब हरेरा ने सबको अपने अधिकार देना शुरू किए हैं, और मेरे ख्याल से खंडेलवाल जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि बहुत बड़ा नंबर सिंगल पेरेंट का है जो मदर्स हैं जिनके ऐसे प्लॉट्स फंसे हुए हैं, या विडोज हैं जिनका ऐसा ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अब जैसे इन्होंने बताया पुरुष तो चले जाते हैं अपना काम कराने गुड़गांव में किसी के पास, चले भी जाएंगे, लेकिन विमेन उन बाउंसर्स के साथ कैसे डील करेगी, अपनी बात भी नहीं रख पाती, तो ये चेंजेस तो इनसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। और यदि ऑल ओवर गुड़गांव की बात करें और मेरे कमीशन को साथ में जोड़ के अगर आप बात करें
तो हमने यहाँ की हेयरिंग्स ली, उनमें जितनी महिलाओं को प्रॉब्लम थी ऑन द स्पॉट हमने सॉल्यूशंस किए, जिनको पुलिस की सपोर्ट की ज़रूरत थी उनको साथ में पुलिस सपोर्ट दिया। एक केस ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी, एक ऐसी महिला जिसके जिसका डोमेस्टिक वायलेंस का केस था और उसके ससुर ने ब्रांडे में बैठकर उस महिला को रॉड से पीट पीट के उसके दोनों हाथ दोनों पैर तोड़ दिए थे। अब वो महिला के दो छोटे बच्चे, जिन बच्चों ने पड़ोस में से जाकर हमें कॉल किया, किसी तरीके उन्होंने नंबर्स लिए और हमें कॉल किया, तुरंत हम लोग, मैं अपनी टीम को लेकर वहां पहुंची और हम उस घर में गए तो वो औरत पूरी तरह से बिल्कुल टूटी फूटी थी। उसको रोहतक मेडिकल भेजा गया, एक टीम गठित की गई। कहने का अभिप्राय ये, पुलिस, आयोग और सरकार के इस सहयोग से हमने उस महिला को सेव किया। उसके हस्बैंड और उसके फादर इन लॉ को आज बिहाइंड द बार्स भेजा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एरिया में इस तरह के केसेस होते हैं आयोग नहीं देखता, या यदि हम गुरुग्राम की भी बात करें तो यहाँ पर वर्किंग वुमेन के हमारे पास बड़े केसेस आते हैं, हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस ये केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि गुरुग्राम इज अ सिटी, यू कैन से इट्स मिनी मुंबई, और नाउ तो इट्स बेटर, बिगर एंड बेटर देन मुंबई यू कैन से, वर्किंग उसमें कॉल सेंटर्स को लेकर। और तो ये सारी चीजों में चेंजेस तो बहुत आए हैं, सरकार ने भी सख्ती की है, महकमों ने भी सख्ती की है, कहीं पर अगर पुलिस ने कहीं ढिलाई की है तो पुलिस क्या बात, पुलिस क्या बात कर रही है, महिला थाने भी खोले गए हैं तो क्या वहाँ पर काफी महिला पुलिस कर्मियों की संख्या है, और जो है क्या वो संवेदनशीलता के साथ महिलाओं को सुनती है? बहुत बार एलिगेशन ये भी लगते हैं कि मामलों को रफा दफा करने का एक दबाव बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल, आपने जो अभी वीडियो वायरल की बात की वो इस चीज का पूरा एक एग्जाम्पल था कि महिला ने केस को रफा दफा करने की कोशिश की या पुरुष पक्ष का साथ देने की कोशिश की अननेसेसरी। ऐसे ही गुड़गांव में भी जब हमने हेयरिंग्स ली तो बहुत सारे हमारे पास यही शिकायतें थी कि जो पुलिस की आयोज हैं वो केस को, वो धाराओं को ठीक से नहीं उस टाइम लगाती हैं या केस की ढिलाई करती हैं। बहुत सी बेटियां हमारे पास ऐसी आती हैं जो हमें ये कहती हैं कि मैम हमें ही पुलिस ने दबाना शुरू कर दिया कि क्या करेगी, ऐसा करके फैसला कर ले, ले दे के सेटिंग कर ले। मतलब इस तरह से जब कोई पुलिस ऑफिसर कहती है तो उसके खिलाफ सख्ती करना बनता है। और मैं आपके इस कॉन्क्लेव के इस मंच के माध्यम से हरियाणा की और जहां जहां तक ये प्रोग्राम जाता है वहां की बेटियों को, औरतों को ये बात जरूर कहूंगी कि यदि आपके साथ हेरासमेंट एट वर्क प्लेस है या डोमेस्टिक वायलेंस है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इस सरकार ने आपके लिए महिला थाने खोले हैं आपकी सपोर्ट के लिए, लेकिन अगर महिला थाने में आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो राज्य महिला आयोग आपके लिए आपके द्वार तक पहुंचता है। हमारे नंबर्स आप वेबसाइट पर देखते हैं, 112 पे जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं और उनको आप आयोग का कहते हैं तो तुरंत हम तक बात पहुंचती है। हमारे जो लॉकडाउन से लेकर अभी तक हमारे कुछ ऐसे व्हाट्सएप नंबर्स चल रहे हैं जिनके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप भी करेंगी इमीडिएट तो उसके ऊपर एक्शन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी महिला को परेशान या चिंतित होने की जरूरत है यदि आयोग के साथ वो कॉन्टैक्ट में गए। संजय जी, अब तक आपने 2 से 3 सुझाव दिए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस की आपने बात की, 2016 से पहले के प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, और साथ ही एजेंट्स को लेकर कैपिंग ना हो कमीशन की। आई थिंक तीनों बातों के जवाब दे चुके हैं खंडेलवाल जी। अभी जो बिल्डर्स पर एक्शन लिया गया है उसे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो इस बात को तो सुनिश्चित करना जरूरी है। देखिए, नाइंसाफी तो दो, मेरे साथ दो पैनल पर खंडेलवाल साहब और मैडम बैठी हैं, तो नाइंसाफी हमारे देश में दो ही लोगों के साथ होती है, एक कस्टमर के साथ और एक वुमेन के साथ। तो इस नाइंसाफी को कैसे खत्म किया जाए इस पे काम करना पड़ेगा। अगेन, अगर ये देश हमें डेवलप बनाना है तो दो चीजों पे काम करना पड़ेगा कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत हो और देश की बेटी कैसे अपने आप में इंडिपेंडेंट खड़ी हो। इन दो चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी हमने आप तीनों का पैनल चुना है बातचीत के लिए। जी। मैं एक छोटी सी चीज बता दूं आपको, 1947 में जब हम आजाद हुए, कैन यू बिलीव कि हमारे देश में हमने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए। उस टाइम पर हमारे ऊपर राज करने वाला यूके और यूएस, वहां वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं थे। उसके बावजूद मेरे यहां पर संसद में 14% महिलाएं हैं और यूएस और यूके में 40% 45% का रेशो है। तो वुमेन एम्पावरमेंट पर मैं कहां खड़ा हूं? ऑन एन एवरेज वर्ल्ड वाइड अगर आप पार्लियामेंट्री बोर्ड देखें
तो ऑन एन एवरेज एज ऑन डेट 27 से 28 परसेंट पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का, और मेरे यहां पर 14% मुश्किल से, और राज्यसभा और आप दोनों का निकालोगे तो 9% ही रह जाएगा। तो इट मीन्स हम अभी एवरेज भी नहीं है दुनिया में। तो अगर जब तक आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम नहीं करेंगे, और खंडेलवाल साहब जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पर काम नहीं करेंगे, राकेश जी मेरे बड़े भाई यहां बैठे हैं, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी जिम्मेदारी सर खासतौर पर बनती है, रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीन बेल्ट, इनको कैसे सुंदर बनाना है? जब हम चंडीगढ़ को सुंदर बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गुड़गावा को उतना सुंदर क्यों नहीं बना सकते? सवाल करेंगे दुबई में जी। जब रेगिस्तान में बिल्डिंग है, स्काई साइपर्स खड़ी हो सकती हैं, जहां पानी नहीं है वहां पानी आ सकता है, तो मेरे यहाँ तो सब कुछ है। गुरुग्राम को तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती इसे है इसे और बेहतर बनाया जाए, इसे कैसे बेहतर जी। हरियाणा न्यूज का भी प्रयास ये है, तभी हमने कॉन्क्लेव की है। खंडेलवाल जी, चर्चा को वाइंड अप की ओर ले जाते हुए अंतिम सवाल आपसे, अभी नोएडा में जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा, जिस तरह से ट्विन टावर्स को गिराया गया, गुरुग्राम के भी कुछ मामले शायद अदालत में हैं। गुरुग्राम में कम से कम ये ना हो या फिर हरियाणा में भी ये ना हो, इस बात को कैसे सुनिश्चित आने वाले दिनों में किया जाएगा? आखिरी सवाल। देखो, पहले तो एक आपने जो मैडम से एक सवाल किया था कि भाई 2014 के बाद मैडम ने बताया कि विकास का एक नया आयाम कायम हुआ है। मुझे भी मुख्यमंत्री जी के साथ बड़े नजदीक से काम करने का मौका मिला जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हुए हरियाणा के। तीन बातें उनके बारे में बड़ी स्पष्ट हैं कि हार्ड वर्किंग है, कठोर परिश्रमी, दूसरी है वेल मीनिंग, नेक नियति, नियत उनकी साफ है, ही वांट्स टू वर्क, ही वांट्स टू डिलीवर, और खुद खूब मेहनत करते हैं, बहुत लंबे आवर्स तक बैठते हैं, खुद अपनी कॉपी पेंसिल लेके लिखते हैं, और तीसरी चीज ईमानदारी, पारदर्शिता उनके काम में भी झलकती है, व्यवहार में भी झलकती है, आचरण में भी झलकती है। तो जब प्रदेश का मुखिया नेक नियति के साथ कठोर मेहनत करके और पारदर्शिता से प्रशासन चलाता है, तो कोई कारण नहीं है कि विकास नहीं हो। विकास नहीं होने का कब कारण ये होता है केवल मात्र कि अधिकारों के प्रति सजग तो पब्लिक को ही होना पड़ेगा। आपके अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने अपनी आवाज जब तक मुखर नहीं करोगे ना, बिना रोए तो बच्चे को भी है ना मां दूध नहीं पिलाती। तो अधिकारों का आपका हनन ना हो, ये आपकी लीडरशिप का नजरिया होना चाहिए। और यदि अधिकारों का आपका हनन नहीं और आवाज उठाना आप सीख गए, तो किसी सरकारी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो काम ना करे, डिलीवर ना करे। डिलीवर करना पड़ेगा, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो दूसरी गुड़गांव की समस्याएं, टूटी हुई सड़कें हो, या कोई दूसरी चीज हो। काफी काम हुआ है, गुड़गांव पहले से बहुत सुंदर हुआ है, बेहतर हुआ है, इन कई 2-3 वर्षों में बहुत सारा काम हुआ है। अभी भी शहर है तो समस्याएं भी होंगी, समस्याएं तो समाधान भी होंगे। तो इसीलिए हमें इस नोट के साथ कि भाई अच्छा सुंदर भविष्य शहर का, और 50 साल तक लगातार यहाँ बढ़ने की संभावना है। अभी इतनी जमीन खाली पड़ी है, बिल्कुल, यहाँ दुनिया के लोग आएंगे। जो आपने दूसरा सवाल क्या किया था बताया, ट्विन टावर से जुड़ा, ट्विन टावर जुड़ा हुआ। देखिएगा, पहले बिल्डर पर अंकुश नहीं था कोई भी, ड्राइंग उसने दे दी, अपने किसी आदमी से ठप्पा लगवा लिया, ड्राइंग दे करके उसके हिसाब से बना दिया, कोई चेक नहीं था। डिपार्टमेंट के पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिपार्टमेंट तो अपना प्लानिंग से रिलेटेड काम कर रहा, भाई बहुत है, बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब चिंटेल का यहाँ मामला हुआ, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जब रेरा आया तो हम लोगों ने वो सारी सूचनाएं उससे लेना शुरू किया, बिल्डिंग प्लान्स, लेआउट प्लान्स, जोनिंग प्लान्स, डिमार्केशन प्लान्स, उसके बाद स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस असेसमेंट, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस कनेक्टेड ड्राइंग्स, फायर स्कीम ड्राइंग्स, सारी चीजें, एंड ऑल दीज ड्राइंग्स आर नाउ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, एनीवन कैन सी इट। अल्टीमेटली एलओटी को जब तक सतर्क नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एलओटी उन ड्राइंग्स को देखे, एलओटी उन चीजों को देखे, एंड वी आर गोइंग वन स्टेप फर्दर। जैसे आपने कहा ना, कॉमन मैन को ये ड्राइंग समझ में नहीं आती, हम ये चाहते हैं कि अब जो हम आगे करने जा रहे हैं कि वो वॉक थ्रू 3D उसका प्रेजेंटेशन बनाए, जब रजिस्ट्रेशन कराए और उसको लोड करे वहां,
उसमें सारी चीजें बताई कि ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सीमेंट लगाऊंगा मैं, ये मेरी टाइल होगी, ये मेरी लकड़ी होगी, ये मेरा ये होगा, ये मेरी स्ट्रक्चरल ड्राइंग फलाने उसने बनाई है, इनको कोई भी आदमी देख सकता है, ये मेरी बिल्डिंग है, अर्थक्वेक प्रूफ है। और तभी शायद लोग समझेंगे अपने अधिकारों को। जो है इस एक्ट का वो कहता है 5 साल तक उसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी की जिम्मेदारी है, केवल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नहीं, इवन वर्कबेंच डिफेक्ट। तो ये कानून एलोटी को एम्पावर करता है और इस तरह की चीजें ना हो। पहले घटनाएं घट गई, पुरानी है, स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए सरकार ने वो बना दिए, नियम बना दिए। अब पुरानी सोसाइटीज को भी जो 15-15 साल भोगे उन्हें कंपल्सरीली एनुअल ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जान जो है सबसे जरूरी चीज है, दैट शुड नॉट बी एट पेरिल। तो आई थिंक धीरे धीरे इसमें इंप्रूवमेंट हो रहे हैं और ऐसे सिस्टम्स प्रोसीजर्स इन प्लेस लाए जा रहे हैं ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। और साथ ही नक्शे डालने का पर्पज क्या है वेबसाइट पर, ताकि यदि नक्शा भी गलत पास हो गया है तो आम पब्लिक को पता लगे। उस स्टेज पर आप है ना उसको रजिस्टर करिएगा, उस स्टेज पर आप उसकी खिलाफत करिएगा, ना कि जब पूरी बिल्डिंग बन जाए उस समय। बिल्कुल सर, रेरा की जरूरतें, रेरा के कामकाज, आने वाली प्लानिंग को लेकर आपने विस्तार से जवाब दिए, बहुत शुक्रिया आपका। रेणु जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया कि महिलाओं को लेकर किस तरह से आयोग काम कर रहे हैं विस्तार से आपने जानकारी दी। और संजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रेरा के कामकाज को लेकर भी आपने बात की और कुछ सुझाव भी दिए। तो चर्चा लगातार जारी रहेगी, इस कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाएंगे। एक बहुत छोटे ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।